और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आज जो है मेक द प्रोग्राम RCIT एडमिशन फॉर्म कराएंगे टॉपिक टू। कल जो हमारा हाफ टॉपिक रह गया था एडमिशन फॉर्म का, वो आज हम आपको कराएंगे। उसमें हम आपको डेट एंड टाइम कराएंगे, कैलेंडर कैसे बनता है वो सिखाएंगे, रेडियो बॉक्स कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे, चेक बॉक्स कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे, फोटो या इमेज कैसे आती है वो सिखाएंगे, और कलर सिखाएंगे, कलर कैसे डालेंगे हम, ये टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया, नोटपैड ओपन कर लिया। कल जो हमारा टॉपिक था प्रोग्राम का, हमने वो ओपन कर लिया है। तो नोटपैड हमारा टॉपिक है, नोटपैड में हमने फाइल ओपन कर ली जो कल आपको कराई थी एडमिशन फॉर्म, वो हाफ हो चुका था, आज हम आपको पूरा कराएंगे। देखिए ये कल हमने आपको हाफ करा दिया था, इनपुट नेम, एडमिशन फॉर्म, फादर नेम, ये चीजें हमने आपको कल ये टॉपिक करा दिए हैं कंप्लीट। आज जो है हम आपको टॉपिक जो करा रहे हैं, जो ये TR है, हमने डेट ऑफ बर्थ ऐसे सेलेक्ट करना सिखाया आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट TR बंद ना करें, नीचे डाल दें या इसी के अंदर डाल दें, यहाँ आप लिखें इनपुट टाइप इक्वल डेट टाइम, डेट और टाइम इन्वर्टेड इक्वल, लोकल जो है, जो लोकल जो आपको डालना है वो लोकल डालना है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमी, ऐसे आप बंद कर दें, सेव करें आप इसको। सेव करने के बाद आप अपने नोटपैड के प्रोग्राम पे जाएं, एडमिशन वेब पेज पे जाएं, ओपन करें, ओपन विद पे आप जाएं। देखिए आप जैसे आप ओपन विद करेंगे, आपका जो एडमिशन फॉर्म के साथ में, एक तो हमने डेट की स्टाइल ये बताई थी कि आप ऐसे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हमने कैलेंडर बता दिया आपको, आप यहाँ नीचे क्लिक कर दीजिए इस बॉक्स पे, आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ये बहुत सारे पीछे के मंथ हैं, देखिए ये ईयर भी है, संडे मंडे भी दिखा रहे हैं इसमें, कब संडे है, कब मंडे है, किस डेट को आपको, ये क्या है, ये आपका कैलेंडर टॉपिक है। एक तो हमने ये टॉपिक बताया आपको, आप डेट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डेट यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो है आपका कैलेंडर का फंक्शन, आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ BR लिख दीजिए, BR की फुल फॉर्म है ब्रेक। ब्रेक लगने के बाद आपका जो है ये जो टॉपिक है ये आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई देगा। ये देखिए हम ऐसे भी कैलेंडर ले सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में, हमने दो तरीके आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, हमने TR बंद कर दी, फिर दोबारा TR स्टार्ट कर दी। जो दोबारा TR हमने ली है, TH टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में हमने क्या डाला, जेंडर डाल दिया। आप यहां कैपिटल वर्ड में लिखें या स्मॉल लेटर में भी आप डाल सकते हैं जेंडर। TH हमने बंद कर दिया। उसके बाद यहां आप TD लिखिए, टेबल डाटा। अब आप यहां लिखिए इक्वल इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, RADIO, रेडियो नेम भी लिख सकते हैं, रेडियो नेम इक्वल लगाने के बाद आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, रेडियो नेम भी लिख सकते हैं खाली, इक्वल रेडियो नेम और ए जो हमने डाल दिया ये वैसे ही डाला है। उसके बाहर हमने लिख दिया मेल, इसको आप सेव करें। दोबारा वेब पेज पे देखें, F5 करें, तो ये देखिए जो आपका है रेडियो नेम जो है जेंडर आ चुका है, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन वो मेल है या फीमेल है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
एक और ऑप्शन ले लीजिए, आप दोबारा नोटपैड पे जाइए, एक टीडी, एक बार इनपुट टाइप और लिख दीजिए, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, नेम लिखें इक्वल ए, एंकर बोलते हैं इसको, फीमेल लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद आप फिर देखिए F5 रिफ्रेश कीजिए, अब दो ऑप्शन आ चुके हैं, मेल और फीमेल। हम मेल पे क्लिक करेंगे, फिर अगर फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल पे से अपने आप ये जो एंकर का निशान है, ये ब्लैक ब्लैक जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, ये हट जाएगा। देखिए आप एक पे ऑप्शन पे ही रहेगा, ये है आपका रेडियो नेम। इसके बाद हमने इसके अंदर जो डाला है वो आप चेकबॉक्स हमने ले लिया है, देखिए कैसे ये टीआर हमने खोली, ये टीआर बंद कर दीजिए आप स्क्रीन पे, अगली टीआर स्टार्ट कर दी, टेबल हेडिंग डाल दीजिए। हमने यहाँ जो टेबल हेडिंग डाली है वो डाल दी हमने यहाँ कैटेगरी, क्या डाल दी कैटेगरी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, टेबल हेडिंग डालने के बाद भी आप इसको डाल सकते हैं ऐसे। टीआर के बाद आप टीएच स्टार्ट करें, टेबल हेडिंग जो हम ऑनलाइन जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये हमारा टॉपिक अगला है इसी के अंदर एडमिशन फॉर्म के अंदर, आप इसके अंदर डाल दीजिए। टीडी लिखने के बाद आप टीडी लिखिए, टेबल डाटा, वही तरीका, इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल इन्वर्टेड कोमे, आप चेकबॉक्स लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखना है आपको, चेकबॉक्स CHECK, चेकबॉक्स इन्वर्टेड कोमे इक्वल टू ए, इसके बाहर आप नाम लिख दीजिए, जैसे हमने इसके अंदर नाम डालना है कि किस कैटेगरी से अगला, जर्नल कैटेगरी एक, ऐसे आप सेव करें इसको, देखें F5 रिफ्रेश करें, ये देखिए ये जर्नल कैटेगरी के ऊपर हम चेकबॉक्स का निशान से राइट बॉक्स लगा सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका चेकबॉक्स। ऐसे ही कितनी कैटेगरी है वो आप डाल दीजिए, 2-3 कैटेगरी आप डाल दीजिए, ऐसे हम चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, चेकबॉक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। सेव कीजिए और इसके अंदर आप चेकबॉक्स आप बना दीजिए। ऐसे ही फिर हमने यहाँ SC कैटेगरी डाल दी, ऐसे ही फिर दोबारा बना दिया कॉपी पेस्ट करके, BC जो कैटेगरी है, BC ए कैटेगरी है, BC बी कैटेगरी है, वो अलग अलग हमने यहाँ डाल दी, TR बंद कर दी, हमने 2-3 कैटेगरी डाली, ऐसे आप अदर कैटेगरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। F5 रिफ्रेश करें तो ये देखिए आप किसी पे भी निशान लगा सकते हैं, चेकबॉक्स ये जो है ये चेकबॉक्स आपका है, ये आप हटा भी सकते हैं इसमें, ये आपका चेकबॉक्स अभी आपको हमने समझाया। उसके बाद अगला जो है TR फिर स्टार्ट कर लें आप, TH हमने यहाँ लिख दिया, क्वालिफिकेशन QualificationQualification क्वालिफिकेशन जो हमने यहाँ आपकी डाल दी है, बंद कर दीजिए, TD लिखिए, आप यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन बना दीजिए, तो पहले आपको कराया है सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट, उसमें ऑप्शन डाल दीजिए आप कि क्या ऑप्शन हमारा आए, 10th क्लास आ जाए, ऑप्शन जो है +2 क्लास आ जाए, या फिर ऐसे ही आप अगले ऑप्शन डालते जाइए स्क्रीन पे। उसके बाद आप यहाँ BA भी डाल सकते हैं, क्वालिफिकेशन है वो BA, इस तरह आप MA भी डाल सकते हैं, ये देखिए आपका हमने यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डाल दिया है, MA जो है हमने डाल दिया है, ये हमने TR आपका बंद कर दिया।
सेव कीजिए। अब आप दोबारा नोटपैड पे जाइए, वेब पेज पे जाइए और रिफ्रेश कीजिए, F5 बटन दबाइए आप स्क्रीन से और देखिए आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर शो हो रही है। जो भी क्वालिफिकेशन आपको देखनी है सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप मार्क डालना चाहते हैं तो आगे वही इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बना के आप यहाँ मार्क डाल दीजिए, मार्क्स आपके डल जाएंगे इसके अंदर। तो ये है आपका इनपुट टाइप का जो है चेकबॉक्स। उसके बाद हमारा है, हमें फोटो अपलोड करना है तो हमें पहले TR लेना है। TR बोलते हैं टेबल रो, TH टेबल हेडिंग, आप यहां लिखें फोटो या इमेज लिख सकते हैं आप, फोटो इमेज ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि फोटो की इमेज आपको लेनी है डाउनलोड करने के लिए, या कुछ भी डाल सकते हैं फोटो डाउनलोड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद करें, TD हमने यहाँ ले लिया पहले ही, हमें यहाँ लिखना है इनपुट टाइप, लिखें यहाँ आप इक्वल लगाएं, नोटिको में लगाएं, इमेज लिख दें आप IMAGE, नोटिको में बंद करें, ब्रैकेट बंद करें, आप सेव करें इस फाइल को और देखिए जो आपकी फाइल है आपको स्क्रीन पे F5 दबाएंगे तो देखिए फोटो जो है इमेज का फोटो ऐसे हम सबमिट करते हैं, डाउनलोड करते हैं फोटो पे, ऐसे ही फोटो का इमेज आपको दिखाई देगा लिंक। ये अभी हमने आपको कराया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, इसी के बाद इसको TR को आप बंद कर दीजिए, ऐसे हम फोटो सिग्नेचर भी ले सकते हैं, आप इसको बंद कर दें TR को। अगली TR फिर आप स्टार्ट करें टेबल रो, फिर वही TH टेबल हेडिंग स्टार्ट करें, आप यहाँ कलर ले सकते हैं, कलर जो है आपका टॉपिक है, TH हमने बंद कर दिया, वही तरीका इनपुट टाइप आप यहाँ लिखें इक्वल टू, आप यहाँ क्या लिखें कलर लिख दें COLOR कलर डालें आप, नोटबुक में बंद कर दें, सेव करें और ऐसे ही आप F5 करेंगे नीचे वाली लाइन में आपको कलर का फंक्शन दिखाई देगा जो है इनपुट टाइप आप क्या इसके अंदर है हम टाइप कर सकते हैं इनपुट टाइप कलर, तो आप ये जो है आपको कलर शो हो जाएगा। आप सेव कीजिए इस फाइल को, दोबारा रिफ्रेश कीजिए Ctrl+S, अदरवाइज हमारा जो कलर है वो इसके अंदर शो हो जाएगा। अलग से अगर हम TD लेंगे तो आएगा, ध्यान रखना इस जो फोटो ली है हमने ये आप डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, अलग अलग भी बंद कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दें एक बार पहले ताकि आपको कलर शो हो जाए। ये जो कलर का फंक्शन है ये हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, F5 कीजिए, देखिए ऊपर ऊपर आपको कलर सबमिट हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे TR बंद करनी है, इनपुट टाइप के लिए TR आप बंद कर दीजिए, सेव करें, यहाँ पे ये जो TR है अलग शो करें, हम अलग से TR आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए सेव कीजिए, F5 कीजिए, F5 करने के बाद आप देखिए ऊपर ऊपर हम जो देख रहे हैं ये जो टॉपिक है आपका ये कलर का है। आप जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे नेम से ऊपर देखें आप ये कलर आप ले सकते हैं कोई भी, यानी क्या होगा सेलेक्ट जैसे ही हम करेंगे इसके अंदर आपको कलर ऊपर ऊपर दिखाई दे जाएगा। ये जो कलर का टॉपिक है ये हमारा हमने यहाँ डाल दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इन दोनों चीज़ों को हटा के आप कलर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इस TR के बाद भी डाल सकते हैं जो हमने यहाँ आपको शो की है। तो ये आपका ये भी जो टॉपिक है ये भी आपको वैसा ही कलर दिखाएगा जो हमने आपको दिखाया है। तो ये है आपका टेबल हेडिंग का इनपुट टाइप का टॉपिक। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, इस TR को आप बाद में बंद कर लीजिए, इसके नीचे आप इनपुट टाइप में जो डाल दिया है हमने दोनों इकट्ठे भी डाल सकते हैं, तो आप यहाँ इकट्ठा दोनों डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। और आप देखिए F5 रिफ्रेश कीजिए, ऐसे भी हम आपको शो कर सकते हैं। तो ये जो है फोटो इमेज कलर इमेज ये हमने आपको सिखा दिया है। अब हम सबमिट फंक्शन भी करना चाहते हैं
तो आप यहाँ एक लाइन और लिखें, अलग किया टेबल रो टीएच डाल दें, या सीधा आप यहाँ सबमिट लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए आप इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, इन्वर्टेड को मैं आप बंद कर दें, वैल्यू इक्वल, फिर आप इन्वर्टेड को मैं स्टार्ट करें, सबमिट लिखें, इनको मैं बंद कर दें, ब्रैकेट बंद कर दें। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा वेब पेज आपका। ये देखिए ऊपर जो है आप सबमिट कर सकते हैं, नीचे भी आप सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, कईयों में नीचे भी फंक्शन आ जाता है, इसी में आपको ऊपर भी फंक्शन देख सकते हैं आप। यहाँ आप जैसे नीचे डालेंगे आप यहाँ खाली टीएच लिखने के बाद आप सेव कर दें, ये देखिए जो आपका ये जो फंक्शन है ये नीचे भी सबमिट हो जाएगा आपका, आप ऐसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो आपको हमने आज कराया आपका एडमिशन फॉर्म, उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है। तो देखिए अभी हम पूछते हैं किसी से, हेलो। हाँ जी सर, आपने जो क्वालिफिकेशन और जेंडर टाइप किया है, हाँ जी, ये सर सेव कैसे होता है और ये प्रिंट पे कैसे दिखाएगा सर? वेब पेज पे आप देखो एक बार, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। ओके सर, देखिए मैंने नोट पैड पे है ना आपको ये लिखना है, ऊपर ऊपर हमने लिख दिया इनपुट टाइप जेंडर में लिख दिया इनपुट टाइप रेडियो, क्या हुआ एक रेडियो बॉक्स जो होता है ना गोल बॉक्स रेडियो बॉक्स वो आ जाएंगे आपके, उसके बाहर मैंने लिखा है मेल फीमेल। जब आप कभी ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हो कॉलेज का स्कूल का या फिर कोई किसी पोस्ट निकली हुई उसके लिए, तो आप देखते हो ना ऑप्शन मांगता है भाई आप जो फॉर्म भर रहे हैं जो इसको ऑनलाइन जो फॉर्म आप जो हिस्सा ले रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, जो उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो जेंडर में क्या डाल रहे हैं मेल है या फीमेल है, तो ये ऑप्शन ऑनलाइन आपको समझाया गया कि बनता कैसे है, ये सिखाया गया आपको आज। तो ये रेडियो बॉक्स है, दो आपको बना दिए मैंने इनपुट टाइप, बाहर इसके लिख दिया रेडियो नेम इक्वल टू ई ए और बाहर लिख दिया मेल, एक पे लिख दिया फीमेल। जैसे आप इसको देखेंगे आप स्क्रीन पे तो आपको यहाँ देखो जेंडर में दिखाई दे रहा है रेडियो नेम मेल, अगर मेल पे क्लिक कर दिया तो फीमेल पे से हट जाएगा, अगर फीमेल पे क्लिक कर दिया तो मेल पे से ये निशान हट जाएगा, ये ऑनलाइन। वैसे समझाया कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनता है क्योंकि कई सॉफ्टवेयर को मिला के तैयार होती है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।